Hey, I am Astro Man. Welcome to the 10th video of Artemis series. This is my first project on YouTube about the Artemis mission of NASA. पिछले वीडियो में हमने आर्टेमिस मिशन में यूज किए जाने वाले सभी टेक्नोलॉजी और इसमें अप्रूव्ड सभी मिशनों को अच्छे से देखा है। इसके अंदर हम SLS, ओरियन कैप्सूल, लूनर गेटवे, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, CLPS, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 को काफी अच्छे से जान चुके हैं। अगर आप रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। अब इन सभी वीडियोस के बाद बात ये आता है कि आर्टेमिस 3 में जब हम मून पर जाएंगे तो वहां के सरफेस में हम क्या क्या कर रहे होंगे और वहां पर हम लूनर बेस किस तरह से बनाएंगे। तो ये वीडियो है सरफेस ऑपरेशन के ऊपर और इसके बाद लूनर बेस के ऊपर वीडियो आएगा। अब जिन लोगों को इस मिशन के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, आर्टेमिस मिशन नासा का नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ स्पेस मिशन है जिसके जरिए नासा 50 साल बाद दोबारा मून पर ह्यूमन को लैंड करवाना चाहता है, जहां पहली बार किसी फीमेल को अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे बॉडी पर अपना पहला कदम रखने का मौका मिलेगा। इस सीरीज में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे आपके माइंड में आर्टेमिस मिशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन या क्वेरी है सारा क्लियर हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस सीरीज। नाउ अब आते हैं आर्टेमिस 3 में होने वाले सरफेस ऑपरेशन के ऊपर। गेटवे से ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के जरिए सरफेस में सक्सेसफुली लैंड करने के बाद क्रू का सरफेस ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सरफेस ऑपरेशन को भी चार पार्ट में बांटा गया है, पहला डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा सैंपल कलेक्शन, तीसरा मून वॉक एंड चौथा एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। शुरू के फर्स्ट वीक में क्रू वहां के जियोलॉजी को कैरेक्टराइज करके उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे होंगे। Also, वो अलग अलग जगहों से मून के सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे होंगे जिस पर बाद में रिसर्च किया जाएगा। फेज 1 को 7 दिन में कंप्लीट किया जाएगा जिसमें 5 एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी और EVA इंक्लूडेड है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट डे एस्ट्रोनॉट्स मून को टच करेंगे एंड दूसरे दिन के EVA के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। दूसरे दिन क्रू ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम से बाहर आएंगे और EVA 1 पर काम करना शुरू कर देंगे जो कि 6 घंटे तक चलेगा। इट विल इंक्लूड कलेक्टिंग सैंपल्स, कंडक्टिंग पब्लिक अफेयर्स एक्टिविटी, डेवलपिंग द एक्सपेरिमेंटल पैकेज एंड एक्वायरिंग सैंपल्स। तीसरे दिन सेकेंड एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी को अंजाम दिया जाएगा जहां पर एस्ट्रोनॉट्स सैंपल्स को कलेक्ट करके उसको कैरेक्टराइज कर रहे होंगे। अनलाइक प्रीवियस EVA, क्रू इसमें लैंडिंग साइट से काफी दूर दूर तक जाएंगे, यस करीब 2-2 किलोमीटर तक। डे 4 विल नॉट इंक्लूड EVA बट डे 5 विल। पांचवें दिन EVA 3 को अंजाम दिया जाएगा जिसमें मून के यूनिक प्लेस से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। डे 6 विल हैव द टू एस्ट्रोनॉट्स डिप्लॉय अ जियोटेक्निकल इंस्ट्रूमेंट अलोंगसाइड एन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशन फॉर इनसुट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। सातवें दिन फाइनल एंड शॉर्टेस्ट EVA को अंजाम दिया जाएगा जहां बाकी सारे EVA पर 6-6 घंटे का समय लग रहा था, इस EVA में केवल 2 घंटे का ही समय लगेगा। सैंपल कलेक्शन और EVA को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट 5 डे क्रू का फोकस मून वॉक पर होगा। नहीं, माइकल जैक्सन वाला मून वॉक नहीं, वो मून वॉक जो सिर्फ मून पर ही किया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क ऑन मून सरफेस, क्रू ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम से अगेन गेटवे तक पहुंचेंगे, फिर ओरियन कैप्सूल पर बैठकर वापस मून तक आएंगे। वापस अर्थ तक आने के प्रोसेस को हमने आर्टेमिस 1, 2 और 3 तीनों वीडियो में देखा है, सो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आप आर्टेमिस 3 में होने वाले सरफेस ऑपरेशन के बारे में काफी अच्छे से जान गए होंगे। आर्टेमिस 3 हमारे इस वर्ल्ड में काफी बड़ा पॉजिटिव चीज लाने वाला है, इसलिए इस सीरीज को मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। सो जाओ और अपने स्पेस के इंटरेस्ट को और आगे ले जाओ।